है गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है हाउ आई रिमूव माय मेकअप प्रॉपर्ली, और बहुत ही इजी पीजी 3-4 स्टेप्स फॉलो करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही इजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो ये लुक मैंने अभी फेस्टिव मेकअप लुक किया हुआ है, इसे मैंने रिसेंटली अपडेट किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको फेस्टिव मेकअप लुक की। इसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज मेरा फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, इससे आपको मेरी फ्यूचर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं अपनी आईलैशेस को रिमूव करती हूँ, और ऐसा लगता है जैसे कि मैंने टन्स ऑफ वेट मैंने अपनी आईलैशेस पे लगाया हुआ है, और इसको रिमूव करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं मेरा मस्कारा भी निकल रहा है बिकॉज ऑफ पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो पाया था और मैं इसे पहले ही निकाल दे रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग जॉनसन्स बेबी ऑयल, और ये जॉनसन्स बेबी ऑयल ये 35 रुपीज़ का सैशे मिलता है। मैं इसे पोर कर लेती हूँ अपने बॉटल में और इसे अब 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और इसके लिए मैं वैसे तो फेस पर थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ वाटर को, प्लेन वाटर को, बट कैमरे के सामने अभी मैंने नहीं किया है। बट मैं यूजुअली मैं करती हूँ, पहले पानी से इसको लगाती हूँ थोड़ा फेस पर, उसके बाद मैं ये ऑयल अपने फेस पर अच्छे से लगा के मसाज करती हूँ। मसाज करते हुए अपने फेस से सारा फाउंडेशन कंसीलर सब छुटा देती हूँ। और अब मैं ले रही हूँ ये कॉटन पैड, और कॉटन पैड्स पर मैं वही सेम ऑयल उसे लगाकर अपनी लिप्स को भी अच्छे से रिमूव कर लूँगी लिपस्टिक को, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो थोड़ा सा टाइम लेती है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और आप देख सकते हैं सारी लिपस्टिक निकल चुकी है, आई मेकअप भी इससे निकल रहा है और अच्छे से निकलता है, पूरा मस्कारा वस्कारा सब निकल जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने पूरा फेस अपना साफ कर लिया है इसी से। तो आप देख सकते हैं आप कि सारे कॉटन पैड्स में सारा मेकअप मेरा आ चुका है, और प्रॉपरली मेकअप अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, और फेस वॉश करने के लिए मैं हिमालय का नीम फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ हमेशा जब भी मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, क्योंकि मेकअप से मुझे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। वैसे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है बट स्टिल मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं, इसलिए मैं हिमालय का नीम फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे कोई ब्रेकआउट्स ना हो मेकअप के बाद। अब फेस पर थोड़ा बहुत बचा हुआ मेकअप मैं इस आयूर के डीप क्लिनजिंग मिल्क से साफ़ करूँगी। इसे मैं अपनी फिंगर पे लेके और अच्छे से अपने फेस पर पूरी तरीके से लगा लूँगी, और फिर नए कॉटन पैड लेकर उसे मैं प्रॉपरली रिमूव कर दूँगी। और आप देखिएगा कि बचा हुआ मेकअप भी जो भी है सब रिमूव हो जाएगा प्रॉपरली। सो नाउ अब मैं यहाँ पर लूँगी लोटस का रोज टोन हर्बल टोनर है, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और चूँकि बहुत ही माइल्ड है तो मैं इसे अपने कॉटन पैड पर लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से साफ कर लूँगी। सो नाउ अब मैं कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ सौंदर्य एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और ये अच्छे से मेरी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और अच्छा हेल्दी ग्लो देगा। नेक्स्ट स्टेप आता है लिप्स को मॉइस्चराइज करने का, और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लोटस हर्बल का लिप बाम, वो मुझे बहुत पसंद है, अंडर 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। हेयर आई हैव फिनिश्ड माय वीडियो, ये है मेरा पूरा हाउ टू रिमूव मेकअप प्रॉपरली। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेकअप रिमूव करने के बाद भी एक अच्छा सा हेल्दी ग्लो है, वो मुझे बहुत पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरा फुल स्किन केयर रूटीन देखना है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे उसे करने में बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।